नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आई रुक करते हैं खबर की ओर। विकासखंड ताखा के ग्राम मामन में नारी शिक्षा चौपाल और टीएलएम मेला आयोजित किया गया। छात्राओं ने बूढ़ हत्या पर संदेश परक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने बूढ़ हत्या करने वाले डॉक्टरों को मम्र स्पर्शी संदेश दिया। नारी सशक्तिकरण के लिए चार्ट और मॉडल बनाकर उनके स्टॉल लगाए गए। विद्यालयों का एक क्राफ्ट स्टॉल टीएलएम मेला में प्रदर्शित किया गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटियाला ताका पक्षी, संतोषपुर, पचार, भरतपुर, खुर्द, बकौली, गदालोट, समथर, भेदपुर आदि विद्यालयों की बालिकाओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में 50 छात्राओं को सम्मानित किया गया। बालिका शिक्षा के जिला समन्वयक विनय तिवारी, रेणू सिंह, अर्चना पांडे, कुसुम शर्मा एवं सीमा भारती ने कार्यक्रम सफल बनाने का प्रयास किया। एआरपी अरविंद दुबे, एआरपी वीरेन कुमार ब्लॉक, पीटीआई अवधेश कुमार, शिवा गुप्ता, रूबी यादव, प्रियंका तोमर, दीप्ति तिवारी, ज्योति नेहा, अनिल यादव आदि कई लोग उपस्थित रहे। उत्तराहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। जो हमारे डीएम डीएम जेबी सिंह सर जी ने थे, उन्होंने कराया है। टीम आई थी इस कार्यक्रम को, सिर्फ यही कार्यक्रम जो हमारी बच्चियों ने, पर्षदी विद्यालय के बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया है। इसी कार्यक्रम को करने के लिए मुंबई से टीम आई थी और मुझे ये कार्यक्रम उस कार्यक्रम से कहीं कम मिल रहा। बहुत अच्छा को मिलती है और वो यहाँ मंच पर इस छोटी सी बच्ची ने अपने रोल में दिखाई। रेणु मैडम, आप तो इस तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, मैं इधर से देख रही थी। इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति थी कि दो तीन लोग रो रहे थे, उनके अश्रु बह रहे थे। इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति थी। यहाँ कराने का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है। इन प्रतिनिधियों को यहाँ कराने का मूल उद्देश्य जो इस एक तरीके से हम कुरीति का नाम देंगे, उसके लिए हम एक मुहिम चलाना है। सिर्फ इस नारी शिक्षा चौपाल के माध्यम से एक ही हम देश लेके चले हैं कि जो इस तरह से भावनाएं आदि भी समाज और समुदाय में व्याप्त है, उसका अंत हो। बेटियों को बाहर आने का अवसर दिया जाए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।